लिए एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं फूलो देवी नेताम, तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से को इस्तीफा सौंप दिया है। फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फूलो देवी नेताम महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा है। वर्तमान में फूलो देवी नेताम राज्यसभा की सांसद भी हैं और प्रदेश में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और पिछले 7 साल से महिला अध्यक्ष पद पर फूलो देवी नेताम पदस्थ थी। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, फूलो देवी नेताम ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। क्या कुछ आगे की रणनीति कांग्रेस की है या फिर फूलो देवी नेताम की कुछ नाराजगी है? देखिए, महिला कांग्रेस पद में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर रही थी, फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं फूलो देवी नेताम। परस गांव जो पड़ता है, कोंडा गांव जिले में पड़ता है, वहां की रहने वाली है। और ये माना जाता है, देखिए, जब भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद उसने अपनी पूरी बॉडी अपने हिसाब से वो बनाता है जी। अब किन बातों को लेकर इस्तीफा दिया फिलहाल ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अभी जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो सब निश्चित तौर पर धीरे धीरे या तो इस्तीफा देंगे या लिया जाएगा, क्योंकि मोहन अभी दीपक बैच नए बने हुए हैं। निश्चित तौर पर वो अपने हिसाब से अपनी टीम को बनाएंगे और उन्होंने कहा भी था कि जहां जरूरत होगी वहां बदला जाएगा। और फूलो देवी नेताम काफी लंबे समय से काम भी कर रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और काम करते करते साथ ही साथ ये भी उनको राज्यसभा की भी जवाबदारी है, तो हो सकता है नया महिला प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को जल्द मिल जाएगा, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। नाराजगी को लेकर अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं, क्योंकि ज्यादा समय हुआ ही नहीं है दीपक बैच को अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, और पहले जो थे मोहन मरकाम उनके साथ भी उनकी ठीक ठाक बातचीत थी, ठीक ठाक ट्यूनिंग थी। फिलहाल तो यही लग रहा है कि नया, जब भी आला कमान में नया कोई नेता आता है तो निश्चित तौर पर पूरी फौज बदलती है। बिल्कुल, और इसे आदित्य जी एक नई रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।